हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख याहिया सिनवार की मौत के बाद भी हमलों में कमी नहीं आई है। रविवार को इसराइली सेना ने जानकारी दी कि उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान उनका एक 41 वर्षीय कर्नल मारा गया। वहीं दूसरी ओर लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इसराइल ने सीमा पर स्थित 3 गांवों के में घरों को उड़ा दिया है। यह कार्रवाई पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा सकती है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने गाजा संघर्ष में मारे गए कर्नल एहसान डाक्सा को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक साहसी कमांडर, एक बहादुर अधिकारी और राज्य की सुरक्षा में अपनी ऊर्जा लगाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। गैलेंट ने कहा कि मैंने एहसान से तब मुलाकात की थी जब वह अपने सैनिकों के साथ हमास के रफा ब्रिगेड को खत्म करने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस अभियान में भी उन्होंने रचनात्मकता और आक्रामकता परिचय दिया। उन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं में काम किया। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में वो मारे गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इसराइली बलों ने बुधवार को सिनवार को मार गिराया था। उनके साथ ही 3 हमास के लड़ाके भी मार गिराए थे। इसराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास ने उसकी मौत की पुष्टि की थी। इसराइल ने लेबनान में हवाई हमलों के जरिए हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला को भी मार गिराया था। इससे पहले हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में एक हमले में हत्या कर दी थी। तेहरान और हमास ने भी इस हमले के लिए इसराइल को दोषी ठहराया था। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन हमलों से क्रोधित इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर घातक लक्षित हमले किए। दक्षिणी बेरूत स्थित हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर हुए हवाई हमलों में शिया मिलिशिया के 3 प्रमुख कमांडर मारे गए। इससे बौखलाए हिजबुल्ला ने रविवार को इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनके मलबे वन क्षेत्र में गिरे जिससे आग लग गई। आग बुझाने के लिए सैनिकों और वन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसराइली सेना ने एक बयान में कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के 3 कमांडरों को मार गिराया। इसमें हिजबुल्ला के दक्षिणी कमान का वरिष्ठ कमांडर अलहाज अब्बास सलामेद, संधार विशेषज्ञ रज्जा अब्बास अवाचे, राजनीतिक हथियारों के विकास के लिए जिम्मेदार अहमद अली हुसैन शामिल है। इसराइली सेना ने लेबनान की राजधानी पर किए गए इस हमले में हिजबुल्ला की भूमिगत हथियार फैक्ट्री को नष्ट होने का दावा किया। हिजबुल्ला ने इसराइल के इन दावों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जुटाई गई एक बेहद खुफिया जानकारी लीक हो गई है जिसमें इसराइल की तरफ से ईरान पर हवाई हमले की योजना का जिक्र था। 15 और 16 अक्टूबर की तिथियों वाले दस्तावेज शुक्रवार को टेलीग्राम अकाउंट पर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नामक अकाउंट से साझा किए गए। इन पर टॉप सीक्रेट यानी बेहद गोपनीय और सिर्फ अमेरिका व उसके 5 आईज भागीदारों यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के लिए लिखा हुआ है। दस्तावेज में इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले के लिए की जा रही तैयारियों का जिक्र है। इस बीच IDF ने शनिवार को हमास नेता याहिया सिनवार से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। इसमें दावा किया गया है कि बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से कुछ घंटे पहले सिनवार अपने परिवार के साथ तहखाने में छिपा था। उत्तरी गाजा पट्टी पर इसराइली हमलों में कम से कम 87 लोग मारे गए अथवा लापता हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसराइल ने ये हमले बईत हालिया इलाके में शनिवार रात से लेकर सुबह तक किए जिनमें कम से कम 40 लोग घायल भी हुए हैं। यह इलाका इसराइल के भूमिगत अभियान का पहला निशाना रहा। उधर इसराइली सेना ने कहा कि गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय मृतकों और घायलों के आंकड़ों को बढ़ाकर बता रहा है। आपको बता दें दक्षिणी लेबनान में स्थित जरारेह कस्बे पर भी हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान यह साफ कर दिया कि उनका देश अपने हितों को देखते हुए फैसले लेगा। शनिवार को हुए इसराइली हमले में लेबनानी नागरिक हुसैन हासिम ने अपने 14 वर्षीय बेटे को खो दिया जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।